डेली न्यूज 360.com में आपका स्वागत है। पेश है आज की बड़ी खबर। त्रिपुरा में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री माणिक सरकार ने भाजपा और आरएसएस पर राज्य में विभाजनकारी राजनीति खेलने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। माणिक सरकार ने आरोप लगाया है कि राज्य में चुनाव से पहले वे धर्म, जाति और पंथ के आधार पर लोगों में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याएं सुलझाने में अपनी असफलता को छिपाने के लिए भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद पूरे देश को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। वे धर्म, जाति और पंथ के नाम पर आग के साथ खेल रहे हैं। यहाँ वे शांति को भंग करने और त्रिपुरा के इतिहास के पन्ने को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हम राज्य को एक मॉडल के तौर पर पेश करने में जुटे हैं। पूर्वोत्तर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।